यर्स वेलकम टू ब्रिलियंस आयल्स एंड वी आर बैक अगेन विद एन अदर स्पीकिंग ट्यू कार्ड एन इंटरेस्टिंग नेबर इंटरेस्टिंग नेबर के बारे में हमें आज टॉपिक डिस्कस करना है द क्वेश्चन आर हाउ लॉन्ग यू हैव नोन दिस नेबर कितने टाइम से आप इसको जानते हैं वट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज किस प्रकार का बंदा है वो हाउ ऑफन यू सी हिम कब कब आप उसको मिलते हैं वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद हिम और हर आपका उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप है वाई ही इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सन और वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन क्यों है सो गाइज दिस इज द टॉपिक लेट्स कवर इट नेबर्स प्ले क्रूशल रोल इन आर लाइफ हमारी ज़िंदगी में नेबर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आई पर्सनली बिलीव नेबर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन रेलेटिवस मेरे को लगता है कि रेलेटिव रिश्तेदारों से ज़्यादा जो नेबर हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्यों क्योंकि बिकॉज दे कम्स फर्स्ट इन योर जॉय एंड सॉरव हमारे सुख और दुख में जॉय एंड सॉरव में वो बहुत सबसे पहले वही आते हैं रिलेटिव्स के कंपैरिजन में सो आई हैव मैनी नेबर्स मेरे बहुत सारे नेबर्स हैं ऑल आर गुड इन नेचर सबकी नेचर बहुत अच्छी है हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग नेबर आज मैं एक नेबर के बारे में इंटरेस्टिंग नेबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ ही इज़ मिस्टर राम सिंह उसका नाम मिस्टर राम सिंह है गाइज यहाँ पर आप उसका नेबर का नेम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से ही लिव्स जस्ट सोन throw अवे फ्रॉम माई हाउस ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू us वो हमारे घर के पास ही रहता है दैट मीन्स कि दूसरे घर लाइक घर के साथ जो घर है वहाँ पे रहता है आई नो हेम सिंस माई चाइल्ड हुड मैं उनको बचपन से जानता हूँ Honestly स्पीकिंग ईमानदारी uh, से बताऊं ही इज़ फिट एज़ फिडल वो फिट है तंदुरुस्त है सो फिट एज़ फिडल इडियम आ गया यहाँ पे बिकॉज़ ही डज़ मॉर्निंग वॉक क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करते हैं एंड फॉलो डाइट चार्ट और उन्होंने एक डाइट चार्ट है जो इसको वो फॉलो करते हैं वी कैन से ही इज़ फिटनेस फ्रेक हम कह सकते हैं कि वो फिटनेस फ्रेक हैं राम सिंह सन इज़ माई बूजम फ्रेंड उनका बेटा जो है राम सिंह का वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सो एवरी डे आई गो टू हिज हाउस और मैं रोज उसके घर जाता हूँ टॉकिंग अबाउट आ रिलेशनशिप अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ वे लिव लाइक फैमिली मेम्बर्स हम लोग फैमिली मेम्बर्स के जैसे रहते हैं ही इज़ रिटायर्ड प्रिंसिपल वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है एंड ही हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एकेडमिक और स्पोर्ट्स और प्रैक्टिकल यू कैन से एनी थिंग आई विविडली रिमेंबर मुझे याद है आफ्टर पासिंग माई टेंथ क्लास आई वॉज इन डिलमा या फिर क्रॉस रोड आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं लाइक like, मैंने टेंथ क्लास जब पास करी तो मैं बड़ा कन्फ्यूज था कि क्या करूँ देन वट टू डू नेक्स्ट क्या करूँ मैं इसके बाद देन ही सजेस्टेड मी उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा टू जॉइन बी कॉम कि मैं बी कॉम को ज्वाइन करूँ एंड इट चेंज माई लाइफ और इसने मेरी जिंदगी बदल दी वन मी माई फ्रेंड एंड मिस्टर राम सिंह गो टू रूफ टॉफ वी इन्जॉय अ लॉट हम बहुत इन्जॉय करते हैं जब हम रूफ टॉप में जाते हैं तीनों एंड ही टेल्स अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट स्टार्स वो हमें स्टार्स के बारे में स्टोरीज सुनाते हैं एंड आई लव टू लिसन हिम और मेरे को उसको सुनना बहुत पसंद है सो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन सो गाइज़ यहाँ पे आप स्टार्स के बारे में और भी एलेबोरेट कर सकते हैं हमने पिछला क्यू कार्ड किया था स्टार्स के ऊपर तो वो चीज़ भी आप लोग इलेबोरेट कर सकते हैं पिछले क्यू कार्ड में ये था कि अपने फैमिली के साथ स्टार्स को वॉच करा यहाँ पर आप ओ, थोड़ा अगर स्टोरी को बढ़ाना है तो स्टार्स वाला क्यूपार्ट भी इसमें डाल सकते हैं आप कि तो इसलिए इंटरेस्टिंग है उसको नॉलेज है स्टार्स की है ना तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं सो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग